तुम्हें पता मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम जानती हो कि मेरी जिंदगी तुम्हारे बगैर कुछ नहीं है और मैं बहुत तकलीफ से गुजर रहा हूँ। मेरे साथ मत करो। तुम कितना झूठ बोलते हो ज़हन। तुम बहुत धोखेबाज हो। तो शुक्र है कि तुम्हारी हकीकत मेरी नजरों के सामने खुल चुकी है। तुम जैसा घटिया इंसान नहीं देखा मैंने और आइंदा मेरे रास्ते में नहीं आना। तुम्हारी हकीकत तो मेरे सामने उसी दिन खुल गई थी जिस दिन मैं तुम्हारे घर आई थी। बड़े हक से रखा हुआ था सोनिया को अपने साथ। शादी कर लो ना उससे, किसी के साथ तो फेयर हो जाओ ताकि जिंदगी में तुम्हारे भी ठहराव आए। इतनी शदीद इस वक्त, इतनी कि तुम एक बात भी सुनना नहीं चाहती हो, खुद ही से सवाल करती हो और खुद ही फैसला सुना देती हो आईने। लेकिन फिक्र ना करो तुम, मैं कल वैसे भी यहां से जा रहा हूं और कहीं दिखाई नहीं दूंगा तुम्हें। अब तो खुश हो? मैं खुश? मेरी खुशी के बजाय ना सोनिया की खुशी की फिक्र करो। कभी ना कभी आयना तुम इस बात पे बहुत शर्मिंदा होगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी, तब तक बहुत देर हो चुकी, तब तक बहुत देर। आयमा ने तो इतनी बदतमीजी की थी हमसे नूर, उसका तो रवैया इतना बुरा था मुझसे और सोनिया से, लगता है उसे हमसे नफरत हो गई है। आयमा ऐसी लड़की नहीं है रूही, तुमने तो देखा है वो किस तरह पेश आती है बेसहारा औरतों के साथ, सब कितना खुश हैं उससे। तो तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ और वो आयमा तुम्हारे लिए ज्यादा बाइज्जत है कि तुम कॉन्स्टेंटली उसकी साइड लिए जा रही हो? मैं उसकी साइड नहीं ले रही हूँ। देखो समझने की कोशिश करो, आयमा हमारे इदारे के लिए बहुत अहम है, उसकी परफॉर्मेंस से धूम मची हुई है और अगर वो चली गई तो बहुत बुरा होगा। प्लीज प्लीज तुम उससे उलझा मत करो। ओह माय गॉड, आप और आपके घटिया किस्म के कॉम्प्रोमाइज, इसीलिए तो आपके हस्बैंड आपके सर पे सौतन ला रहे, आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। बाकी लोग शायद आपकी तरह हो सकते हैं लेकिन मैं नहीं। सोनिया, सोनिया, रियली सॉरी अबाउट हर बिहेवियर। वो आयमा की वजह से ऐसी जज्बाती हो गई है और ना वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। रूही तुम्हारी बेटी इतनी बदजबान और बदतमीज हो सकती है मुझे अंदाजा नहीं था। तुम प्लीज उसको कंट्रोल करो वरना बहुत पछताओगी। मैंने तुम्हें बोला ना वो आयमा की वजह से ऐसे बिहेव कर रही है। आयमा को साथ रखना मेरी मजबूरी है और मैं अपने इदारे की रेप्यूटेशन किसी के लिए भी दाव पे नहीं लगाऊंगी, एंड दैट इज दैट।